हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन टू माई चैनल विकास पांडे की क्लासेस सो इन दिस वीडियो हम जो है चैप्टर एलेवन सिंपथी के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस वीडियो पे करेंगे जो है बाकी जो जितनी भी प्ले लिस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए हम लोग वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं आप अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन करते चलिएगा जहाँ भी आपको लिखने में डाउट होगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा हालांकि जैसे मैंने वीडियो पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आप कॉपी पे लिख सकते हैं मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया हुआ है सो प्लम्प प्लम्प मीन्स मोटा यानी स्लाइटली फैट थोड़ा मोटा मीडोस मीडोस मतलब घास का मैदान जो घास से हमेशा भरा रहता है वैसे ही वेदर मतलब होता है मौसम जैसे टेम्परेचर यानी गर्मी का मौसम ठीक है विंडी मौसम रेनी सीजन ये जो होते हैं कंडीशन जो होती हैं टेम्परेचर वगैरह की वो सबको मौसम से डिनोट किया जाता है फिदर फिदर मतलब होता है पंख ठीक है सॉफ्ट कवरिंग ऑन अ बर्ड्स बॉडी जो पक्षियों के ऊपर पे उनकी बॉडी पे रहता है उसको बोलते हैं फिदर पंख सनसाइन मतलब धूप ब्राइट सनसाइन मतलब खिली धूप तो इतना ही था इसमें अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं तो हमको क्या करना है टिक द करेक्ट सेंटेंस जो करेक्ट होगा उसको हमको राइट right का कर टिक करना है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं द लिटिल बर्ड वॉज कवर्ड विथ फिदर जो छोटा पक्षी था वो पंख से ढका हुआ था या उनके में उसके में पंख था ठीक है तो हाँ बिल्कुल था उसके में तो ये राइट right यहाँ पे राइट right का टिक कर देंगे सेकेंड देखो दे सीवर ड्यू टू द कोल्ड वेदर जो लड़की थी और जो पक्षी था वो ठंड से थोड़ा काँप रहे थे तो हाँ काँप रहे थे भाई उसके बाद देखते हैं द वेदर वॉज ट्रैनी एंड द क्लाउडी नहीं ऐसा नहीं था फोर्थ में देखो द गर्ल गर्ल्स इज थिन एंड द बर्ड इज प्लम ऐसा भी नहीं था प्लम मतलब मोटी सी लड़की थी और थिन बर्ड था जस्ट उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे है ना और फिफ्थ दिया हुआ है द लिटिल बर्ड एंड द लिटिल बर्ड आउट इन द मिडोज जो छोटी अटकी थी और जो बर्ड था वो बाहर खुले मैदान में थे घास के मैदान में थे तो ये सही है तो यहाँ पे टिक का निशान कर लेंगे बाकी ये जो दो हैं उसमें आप क्रॉस का कर निशान करेंगे तो भी चलेगा ठीक है कर दीजिएगा ऐसा ज़्यादा बेटर रहेगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो ये टेबल हमको कंप्लीट करना है ठीक है जिसमें अब एक बार गर्ल्स के बारे में पूछा गया एक बार में बर्ड के बारे में पूछा गया तो गर्ल का ड्रेस क्या था तो उसका ड्रेस कैसा था वॉम क्लॉथेस पहने थे उन्होंने क्या वुलन क्लॉथ यानी वार्म क्लॉथ जो है पहने हुए थे गर्म कपड़े पहने हुए थे देखने में कैसी थी प्लम्प लिटिल गर्ल मोटी सी छोटी लड़की और फीलिंग क्या था उनका मतलब जो वो बर्ड के लिए सेड थी कि बर्ड जो है ठंड में कब कब आ रहा है बोल के ओके बर्ड का ड्रेस क्या था बर्ड तो कोई क्लॉथ्स नहीं पहना हुआ था सो विदाउट क्लॉथ्स यहाँ पे या लिख सकते हैं विथ फीडर्स, यानी मैंने विदाउट क्लॉथ्स लिख दिया है क्योंकि ड्रेस होता ही नहीं है बर्ड का है ना डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में थीन बर्ड पतली सी पक्षी थी ठीक है पतला, पतला सा पक्षी था वो एंड फीलिंग ये क्या कर रहा था गर्ल के लिए सैड फील कर रहा था कि गर्ल जो है में टिठूट रही है बोल के ठीक है एक भी उसके पास पंख नहीं है ऐसा बर्ड सोच रहा था हमने पढ़ा होगा है ना पढ़ा है ना देखो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है व्हाट वॉज द लिटिल गर्ल फीलिंग अबाउट द लिटिल बर्ड जो छोटी लड़की थी वो जो है बर्ड के लिए कैसा फील कर रही थी तो कैसा फील कर रही थी उसके लिए सैड फील कर रही थी जैसे द लिटिल गर्ल फीलिंग सैड फॉर द लिटिल बर्ड दैट ही इज विदउट एनी क्लॉ एंड सच वेरी कोल्ड वेदर देयर जो छोटी लड़की थी वो बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि देखो पक्षी के पास एक भी क्लॉथ्स नहीं है कोई गर्म कपड़े नहीं है फिर भी वो कोल्ड वेदर में बाहर पे हैं बोल के ठीक वैसे ही सेकेंड में बोला गया है कि वॉट डिड द लिटिल बर्ड फील अबाउट द लिटिल गर्ल जो छोटा पक्षी था वो लड़की के लिए क्या सोचता था तो जस्ट उल्टा अपोजिट था द लिटिल बर्ड फील सो सैड फील सैड टू फॉर द लिटिल गर्ल एंड थिंक दैट सी एंड इट्स टू थिंक ऑफ पुअर थिंग्स पक्षी सोच रहा था कि लड़की के पास एक भी पंख नहीं है और कितनी ज्यादा ठंड है तो वो ठंड से ठिठुर रही थी उसको देख के जो पक्षी के मन में और अलग अलग बुरे ख्याल भी आ रहे थे है ना चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ये यह देखो वैकेबलरी पार्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक घर बना हुआ है ये किसका घर है ये घर है यहाँ पे क्या दिया हुआ है डू यू वॉन्ट टू गेट इन साइड द हाउस ये घर बना हुआ है किसी का घर है ठीक है किसका है ये नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है तो इसके घर के अंदर जाने के लिए हमको ये जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने होंगे हमको ठीक है एक एक स्टेप है ये एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा चौथा ऐसे करके हम लोग सीढ़ी की तरह से चढ़ेंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे ठीक जस्ट मोमेंट देखो अपोजिट ऑफ रिच तो पहला आंसर हो जाएगा पुअर रिच का अपोजिट क्या होता मतलब मतलब है रिच मतलब अमीर पुअर मतलब गरीब सेकेंड क्या पूछा है फर्स्ट कैरेक्टर इन द पोएम जो पोएम के पहला कैरेक्टर कौन था हाँ लड़की थी वहाँ पे है ना रिमूव द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर टी एच ई आर ई तो फर्स्ट लेटर को रिमूव किया तो फर्स्ट लेटर क्या है टी तो क्या बन जाएगा हियर ओके फोर्थ देखो सेकेंड कैरेक्टर इन द पोएम सेकेंड कौन था पोएम में कैरेक्टर यस दैट इज बर्ड वैसे ही फिफ्थ देखो पीपल यूज वुलन क्लॉथ वेन इट इज जो व्यक्ति होते हैं जो आदमी लोग होते हैं वो वुलन क्लॉथ्स यानी गर्म कपड़े कब यूज़ करते हैं ठीक है ऊनी कपड़े कब यूज़ करते हैं तो कब करते हैं कोल्ड वेदर पे या विंटर सीजन्स पे ठीक है तो हमने पांच स्टेप पार कर लिए और तीन स्टेप बचे हैं सिक्स सेवन एंड एट सिक्स को चलो पार करते हैं वी वी आर ईट टू कवर अवर बॉडीज हम इसको पहनते हैं हमारी बॉडी को कवर करने के लिए वो तो क्या है ड्यूरिंग विंटर सीजन कब इसको पहनते हैं विंटर सीजन में है ना अपोजिट ऑफ फैट सातवा है सेवेंथ है अपोजिट ऑफ फैट फैट यानी मोटा अपोजिट क्या होगा थिन पतला एंड लास्ट वन इज बर्ड हैव देम बर्ड के पास होता है क्या फीदर्स यानी पंख ठीक है तो हमने यहाँ तो स्टेप पार कर हम अब इस घर के अंदर जा सकते हैं तो आप ऐसा मत लिखिएगा आप सिंपल से कॉपी में ऐसा लिख लीजिएगा बस ये अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेंगे तो हमको ये भी फील होगा कि हमने वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके स्टेप चढ़े और ऊपर तक पहुंचा वन से भी लिखिए लिख तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो बी बोल रहा है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन ऑन सेंटेंस हमें ये जो वर्ड दिए हैं प्लम थिन पुअर सनसाइन एंड नाइस उसका अपने शब्दों में वाक्य बनाने हैं ठीक चलो बना लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं तो पहले देखते हैं प्लम्प प्लम्प मतलब मोटा तो इसका क्या बन जाएगा ओके सेंटेंस बनाते हैं प्लम्प लिटिल गर्ल वॉस आउट इन दू एक मोटी सी छोटी सी लड़की घास के मैदान में बाहर बैठी है या बाहर है ठीक आप अपने हिसाब से और कुछ अच्छा लगता है तो बना लीजिएगा वैसी थीन यानी पतला द बर्ड इज सो थिन तो क्या है बर्ड बहुत ज्यादा पतला था यानी पक्षी पतला था नेक्स्ट इज पुअर पुअर यानी गरीब सी इज सो पुअर गर्ल वह बहुत गरीब लड़की है सनसाइन मतलब खिली धूप सो ऑल दो इट वॉज सनसाइन आउटसाइड हालांकि बाहर पे सनसाइन है यानी खिली धूप है नाइस यानी अच्छा सो सेंटेंस बी सी वॉज नाइस गर्ल वह काफी अच्छी लड़की है थी ओके ओके ग्रामर पोर्सन मेक अल स्टॉप डिस्क्राइबिंग वर्ड इन व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐसे वर्ड जिसको पढ़ने से हमको बहुत सारी चीजों को uh, बहुत सारी बातों को अपने अपने आप में समेटा हुआ है जैसे प्लम्प प्लम किस को सो कर रहा है मोटा यानी मोटा क्या हो सकता है मोटा लड़की मोटी लड़की हो सकती है मोटा लड़का हो सकता है या मोटी चिड़िया हो सकती है मतलब भरा हुआ शरीर वाला इस कॉल्ड प्लम्प वैसे ही लिटिल यानी छोटा सा थिन यानी पतला सा पुआ यानी गरीब सनसाइन यानी खिली धूप वेदर मतलब मौसम के बारे में बताया जा रहा है सीवर्ड मतलब कब का फा देने वाली ठंडी और कब का पाना तो ये क्या डिनोट कर रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसकी विशेषताओं को भी डिनोट कर रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं बी पे देखते हैं लुक एट द फॉलोइंग फ्रेज केयरफुली ठीक है ये फ्रेजेस को देखना है हमको अ प्लम्प लिटिल गर्ल अ थिन लिटिल बर्ड अ नाइस लिटिल गर्ल अ पुअर लिटिल बर्ड तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं सब आगे पीछे हैं देखो कैसे अभी घील ग्रीन असी ग्रीन द ब्यूटीफुल ब्लू स्काई साइड वाइड तो देखो पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा है कि जगह जगह जो है अलग अलग हो चुकी है तो हमको इसको अरेंज करना है और सही करेक्ट वर्ड सॉरी करेक्ट सेंटेंस या फ्रेज बनाने होंगे है ना तो उसके लिए हमको क्या करना होगा एज को पहले रखेंगे फिर क्वालिटी को रखेंगे फिर टाइप को रखेंगे फिर सेप को रखेंगे फिर साइज़ को फिर कलर को ये सीक्वेंस फॉलो करके करेंगे तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको ये देखते हैं चलो एक एक करके देखते हैं ये आपके बुक में दिया हुआ है तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं अ बिग ग्रीन हिल ठीक है बिग हिल ग्रीन है ना तो ये क्या होगा अ बिग ग्रीन हिल या अ ग्रीन सी ये वाले पोर्शन का वैसे ही द ब्यूटीफुल ब्लू स्काई वाइट दिया तो ये हो जाएगा द ब्यूटीफुल वाइड ब्लू स्काई ओके फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट का हो जाएगा ये अ न्यू वाइट एरोप्लेन एन ओल्ड ब्लू ट्रेन ओके अ रेड न्यू फ्रॉक अ पिंक ब्यूटीफुल फ्लावर ओके तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे कलर्स वगैरह दिए हुए हैं है ना तो अ न्यू रेड फ्रॉक है ना? हमने देखा था ना पहले हम लोग को क्या रखना है उसकी विशेषता रखनी है फिर उसके बाद कलर लास्ट में आएगा फिर उसके थिंग्स के बारे में देना है, है ना वैसे ही अ ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर ओके अ ब्लैक लिटिल नाइस गर्ल तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं नाइस लिटिल गर्ल ओके okay? ब्लैक को हटा देंगे वो सूट वहाँ पे नहीं कलर है ठीक है या उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने पड़ते हैं हमको यहाँ पे देखो तो इसको मैं बनाया हूँ अलग तरीके से प्रिटी न्यू बेबी ओके पिंक को मैंने ले लिया इस वाले पोर्शन पर न्यू रेड या पिंक रिबन दोनों में से एक लिख दीजिएगा न्यू रेड रिबन या न्यू पिंक रिबन ओके फाइन लिटिल पुअर अ लिटिल ब्लू ब्राइट न्यू Star, so it would be a old and poor woman. एक extra word जोड़ दिया and यहाँ pe या बना सकते हैं a little poor woman, okay? दोनों में से एक use कर दिया वैसे ही new blue star या फिर a bright blue star। एक साथ दोनों use नहीं किया मैंने है na इस बारे में क्या करेंगे अ small ब्राउन पैकेट या लिख सकते हैं उसी को अ स्मॉल beautiful पैकेट या स्मॉल ब्राउन एंड ब्यूटीफुल पैकेट तो तीनों में से कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं तीनों लिख दो तो भी चलेगा है ना तरीका अपना अपना बनाने का चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हमको दी गई हैं जैसे खीर जलेबी गुलाब जामुन समोसा एंड दही वड़ा सो हियर व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज़ राइट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग फूड आइटम ऑन द गिवन पॉइंट ये जो फूड आइटम है उसको इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमको डिस्क्राइब करना है लिखना है उसके बारे में यानी उसका शेप या साइज़ कैसा होता है उसका टेस्ट कैसा होता है उसका लुक कैसा होता है उसका कलर कैसा होता है या आप उसे पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक करके पहले आ जाते हैं खीर सो दिस इज़ एन इंडियन डिजर्ट ये एक भारतीय मिठाई है या स्वीट है दिस फाइंड इन अ सेमी लिक्विड फॉर्म तरह लिक्विड नहीं होता उसमें चावल डिले होने के कारण थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म पे होता है इट हैज स्वीट इन टेस्ट इसका टेस्ट कैसा होता है स्वीट होता है मीठा इट लुक्स वेरी डिलीशियस एंड हैविंग वाइट कलर ड्यू टू द मिल्क एज एन मेन इंग्रेडिएंट्स। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स माने मेन चीज़ जो है दूध होता है उसके कारण इसका कलर कैसा होता है सफ़ेद होता है आई लाइक खीर वेरी मच तो मुझे खीर कैसा है बहुत पसंद है तो हमने ये सब चीज़ें डाल दी ना सेप साइज़ कैसा होता है उसका टेस्ट स्वीट है लुक यानी दिखने में कैसा है है ना कलर कैसा होता है वाइट होता है लाइक या डिसलाइक पसंद है मुझे तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी वैसे ही हम क्या करेंगे जलेबी को भी लिखेंगे दिस इज़ ऑल्सो एन इंडियन डेजर्ट दिस फाइंड इन स्पायरल इन सेप गोल गोल होता है ना कैसे होता है स्प्रिंग की तरह स्पायरल होता है इट हैज स्वीट इन टेस्ट टेस्ट कैसा होता है स्वीट होता है इट लुक सर्कुलर इन शेप एंड इट्स हैव येलो इन कलर ठीक है इसका कलर कैसा होता है येलोइस होता है ठीक है थोड़ा येलोइ होता है आई लाइक दिस स्वीट वेरी मच मैं ये जो स्वीट होता है बहुत पसंद करता हूँ गुलाब जामुन क्या है दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट अमंग ऑल इंडियंस तो ये जो गुलाब जामुन है हमारे भारतीयों के बीच में बहुत क्या है फेमस है ये और एंड मोस्ट डिमांडेड डेजर्ट और सबसे ज़्यादा क्या है डिमांडेड यानी मांगा जाने वाला डेजर्ट है स्वीट है है ना दिस इज़ अ सेप इन स्पेयर इन सेप तो इसका जो सेप होता है स्पेयर यानी गोलाकार होता है जस्ट विट मिनट Hmm. तो इसका सेप कैसा होता है गोलाकार होता है इट हैज स्वीट इन टेस्ट ट्वेस्ट कैसा होता है स्वीट होता है इट्स लुक वेरी डिलिशियस एंड हैविंग डार्क ब्राउन इन कलर इसका कलर कैसा होता है डार्क ब्राउन होता है और खाने में बहुत डिलीशियस होता है आई लाइक गुलाब जामुन मोर देन अदर स्वीट मैं गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बाक़ी और स्वीट से समोसा समोसा इज मोस्ट कॉमन एंड फेमस स्नैक्स अमॉन्ग ऑल इंडियंस जो सबसे ज्यादा फेमस नाश्ता है पूरे भारतीयों के बीच में वह है क्या है समोसा जो बहुत कॉमन है सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज़ भी है इट हैज ट्राइंगल इन सेप इसका सेप कैसा होता है तिकोना होता है ट्राइंगल होता है इट इज़ सॉल्टी इन टेस्ट नमकीन होता है खाने में दिस फाउंड लाइट ब्राउन कलर हल्का भूरे कलर का दिखाई देता है इट लाइक like दिस स्नैक आई लाइक दिस स्नैक वेरी मच ये जो है स्नैक्स जो होता है सबसे ज़्यादा मैं बहुत पसंद करता हूँ ठीक है मुझे समोसा बहुत पसंद है एंड दही वड़ा ठीक है दही में वड़ा होता है उसको डुबाया जाता है वो स्वीट है ए सॉरी वो डिश होता है ये एक टाइप का दिस इज़ एन इंडियन डिस विच इज़ सर्वड विद द मिल खाने के साथ में इसको अक्सर सर्व किया जाता है ठीक है पेस्ट किया जाता है दिया जाता है इट हैज़ सॉल्टी विथ लिटिल सॉल इन टेस्ट ड्यू टू द कर्ड यह खाने में क्या है थोड़ा सा नमकीन और खट्टा सा होता है हुँ? क्यों क्योंकि कर्ड के कारण दही के कारण इट लुक सर्कुलर एंड हैविंग लाइट ब्राउन इन कलर बट लुकिंग वाइट ड्यू टू डिब्ड इन कर्ड देखो इसका सेप कैसा होता है सर्कुलर यानी गोला का होता है और इसका कलर लाइट ब्राउन होता है वड़े का कलर क्या होता है लाइट ब्राउन होता है लेकिन दही में डूबे होने के कारण ये सफ़ेद दिखाई देता है आई लाइक दिस मैं इसे पसंद करता हूँ नॉट मोर ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ओके okay? कोई हो सकता है इसको डिसलाइक करता है उसको so, यहाँ पे लिख सकते हैं आई लाइक दिस आई डिसलाइक दही वड़ा। ओके फाइन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ आ, वर्ड दिए हुए हैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है तो चलो जमा देते हैं तो सबसे पहले एफ आता है तो फिदर और इसको सेंटेंस में भी कन्वर्ट करना है सेंटेंस लिखना है इसके बारे में ठीक तो बर्ड हैवंट इवन अ सिंगल फिदर पक्षी के पास एक भी पंख नहीं था मिडोज बोथ वर सिटिंग इन मिडोज प्लम्प सी हैव अ प्लम्प बर्ड उसके पास एक मोटा सा पक्षी था आई डोंट डू दिस वर्क सिंगल मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता लास्ट वन इज सनसाइन ऑल दो देयर इज अ सनसाइन हालांकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खिली धूप है है ना? एंड लास्ट वन इज़ वेदर ठीक है एफ पहले आता है फिर एम आता है ना अल्फ़ाबेट में फिर पी फिर एस फिर एस लेकिन यहाँ पे देखो आई है और आई के बाद आता है क्या है यू डिशनरी के अकॉर्डिंग होगा याद होगा मैंने बताया भी था एंड डब्ल्यू लास्ट वन सो टुडेज़ वेदर इज़ सनी आज का जो दिन है काफ़ी सुहाना है या खिला हुआ है अब आते हैं अपेंडिक्स वन के अकॉर्डिंग हमको ये क्या करना है आगे जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है जिसमें भोलू के रूटीन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है भोलू क्या है एक डॉग है तो चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट इसका जो टास्क है वो करेंगे जो एक्टिविटी है वो करेंगे सो so, भोलू इज़ अ स्मॉल डॉग ये आपको पेज नंबर फिफ्टी वन में मिलेगा आपके बुक के पीछे साइड पर सो so, भोलू इज़ अ स्मॉल डॉग भोलू एक छोटा सा डॉग है इन द मॉर्निंग भोलू गोज टू लॉन्ग वॉक विथ सालू जो है सुबह सुबह भालू भोल जो है सालू के साथ में लंबे सैर पे जाता है ही अ कंपनी इज़ सालू एंड ही हर फ्रेंड टू स्कूल वह स्कूल जो जब जाती है सालू तो उसके दोस्तों के साथ में वो भी साथ ही साथ जाता है उनके कंपनी देता है उनके साथ जाता है सालूज फ्रेंड ब्रिंग रोटी फॉर भोलू सालू के दोस्त उसके लिए रोटी लाते हैं ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल भोलो स्टॉप एट द होटल इन द स्ट्रीट कॉर्नर जब वो वापस आता है उन लोग को छोड़ के तो एक वहीं पे गली के किनारे पे एक होटल है वहाँ पे जो भोलू अक्सर रुक जाता है मोहन लाल मोहन लाल द होटल मैनेजर गिव्स भोलू समू इट एवरी डे वहाँ जो होटल का मालिक मोहन लाल है वो भोलू को हर दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए देता ही है भोलू स्लीप देयर फॉर टाइम भोलू को समय के लिए वहाँ सो जाता है वेन द चिल्ड्रन रिटर्न फ्राम स्कूल भोलू फॉलो देम बैक टू होम और जैसे ही बच्चे स्कूल ख़त्म करके वापस लौटते हैं तो उनके साथ में वो भी उनको फॉलो करते करते घर लौट जाता है ही फाइनली स्पेंड द रिमेनिंग टाइम इन सालूस हाउस भोलू का जो बचा हुआ समय होता है अब वो अपने जो समय होता है वो सालू के घर पे ही बिताता है इन द आफ्टरनून ही सिट्स इन सालू गार्डन एंड द वॉच पीपल एंड द बर्ड दोपहर के समय वो सालू के घर के सामने जो गार्डन है वहाँ बैठे रहते हैं और पक्षियों को आदमियों को देखते रहते हैं इन द इवनिंग भोलू सालू एंड हर सिस्टर अनु प्ले विद द बॉल इन द गार्डन शाम के समय भोलू सालू और उसके सिस्टर अनु गार्डन में बॉल्स के साथ में खेलते हैं भोलू स्लीप इन द गार्डन ऑन द चेयर इन द सालू होम और फाइनली जो गार्डन में जो चेयर लगा हुआ है रात को भोलू वहीं पे सोता है अब ये हुआ अपेंडिक्स में जो दिया हुआ स्टोरी था अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है जिसमें हमको सीक्वेंस में इसको जमाना है तो सिक्वेंस में जमाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिंपली जो पहले जो पिक्चर हमने स्टोरी जो पढ़ी उसके अकॉर्डिंग जो पहला पिक्चर है उसमें वन सेकेंड जो आता है जो टास्क में वो टू थ्री ऐसा करके लिख देंगे चलो एक समझते हैं तो पहला ये वाला हो जाएगा देखो भोलू इज़ अ स्मॉल डॉग भोलू क्या है एक छोटा सा डॉग है जो सालू के साथ में क्या करता है मॉर्निंग वॉक पे जाता है देखो जा रहे हैं ना पहले वाले पिक्चर पे वैसे ही सेकंड कौन सा हो जाएगा देखो उन लोग को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं जो बच्चे होते हैं उनके लिए रोटी लेके आते हैं जब वो लौटते जाते हैं तो मोहन लाल उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है और फिर वो वहीं क्या करता है सो जाता है फिर जब वो लोग स्कूल से वापस आते हैं तो देखो स्कूल से वापस आए ना तो उनको फॉलो करता है बाकी समय में वो क्या करते हैं गार्डन पे बैठ के पक्षियों को देखते रहते हैं यहाँ पे देखो पक्षी है ना और आदमियों को देखते रहता है शाम के समय वो बॉल के साथ में सालू उसकी बहन उसके दोस्तों के साथ में खेलता है और रात में वो बेंच में सो जाता है तो इस तरीके से सीक्वेंस यहाँ पे ये लिख देंगे है ना आप अपनी बुक में ही जस्ट उसको पुट डाउन कर देंगे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेम उसी को देखते हुए हमको एक टेबल कंप्लीट करना है ठीक तो इसमें हमको अपने दोस्तों से पूछना है कि आपको क्या ये पसंद है क्या नहीं पसंद है डू यू लाइक खीर सपोज़ आई एम आस्किंग डू यू लाइक खीर तो वो बोलेगा यस आई डू लाइक खीर अगर उसको पसंद होगा तो यस आई डू लाइक खीर अगर नहीं पसंद तो आई डू नॉट लाइक खीर तो इस तरीके से हमको ये टेबल जो दिया हुआ आपके बुक में उसको कंप्लीट करना है यहाँ अपने दोस्तों के नेम लिखेंगे उसको पसंद है तो यस आई डू लाइक आइसक्रीम I do like खीर I do like गुलाब जामुन I do like जलेबी I do like लस्सी अगर पसंद नहीं है तो लिखेंगे I do not like जो भी आइसक्रीम खीर गुलाब जामुन जलेबी या लस्सी लिखेंगे चलो एक समझ के देखते हैं तो मैंने चार नाम ले लिए हैं माया पायल निखिल एंड गौतम ये चारों नाम उनके हैं जो अक्सर कमेंट्स पर कुछ न कुछ पूछते रहते हैं या इनके कमेंट्स अक्सर आते हैं तो मैंने उनका नाम ले लिया है वहाँ से ठीक तो चलो माया से पूछा गया कि डू यू लाइक आइसक्रीम सो यस वो बोलती हैं यस आई डू लाइक आइसक्रीम खीर के बारे में पूछा गया तो यस आई डू लाइक खीर गुलाब जामुन पसंद है तो बोलेंगी यस आई डू लाइक गुलाब जामुन जलेबी उनको नहीं पसंद तो उन्होंने बोला नो आई डू नॉट लाइक जलेबी लस्सी के बारे में पूछा गया तो नो आई डू नॉट लाइक लस्सी तो उनको लस्सी पसंद नहीं है वैसे ही पायल से पूछा गया तो उनको आइसक्रीम पसंद है खीर पसंद है गुलाब जामुन पसंद है लेकिन जलेबी और लस्सी उनको भी पसंद नहीं है अब निखिल से पूछा गया तो उनको क्या पसंद नहीं आइसक्रीम पसंद नहीं है बाकी खीर पसंद है गुलाब जामुन पसंद है जलेबी और लस्सी भी पसंद है और गौतम से पूछा गया तो उनको क्या पसंद नहीं है तो गुलाब जामुन पसंद नहीं और लस्सी पसंद नहीं बाक़ी चीज़ें उनको काफ़ी पसंद है तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप बारिश के दिनों में जो बारिश का समय होता रहता है तो उस समय क्या करना सबसे ज़्यादा आपको पसंद है तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जैसे प्ले इन द रेन ठीक है बारिश में खेलना ईट समोसा पकौड़ा विथ हॉट कॉफ़ी समोसे या पकौड़े खाना कॉफ़ी या चाय के साथ में प्ले बोर्ड गेम्स कुछ गेम्स खेलना जैसे लूडो कैरम्स एक्सेट्रा गो ऑन ड्राइव बाहर निकल जाना ड्राइव पे, है ना देखो प्ले इन रैन समोसे पकोड़े खाना बोर्ड गेम खेलना या ड्राइव पे निकल जाना तो आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा चलिए लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमको प्रोवर्ब दिया गया है एक्शन स्पीक लाउटर देन वर्ड तो इसका मतलब होता है वॉट डू यू वॉट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट than वॉट यू से आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं ठीक है तो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि कहना कहने को तो कुछ भी कह दिया हाँ मैं ये कर लूँगा बट करके दिखाया क्या तो आपका जो काम है वो आपके कहे हुए शब्दों से ज़्यादा मायने रखता है इसका मतलब यही है तो इसको सेंटेंस बनाने हैं चलो मैंने दो बनाए हुए हैं आप और ज़्यादा बना सकते हैं तो ही किप्स सेंग ही केयर्स मी बट एक्शन एन स्पीक लाउडर देन वर्ड वह कहता है वो मेरी केयर करता है मेरी देखभाल करता है मेरी चिंता करता है बट एक्शन एंड स्पीक लाउडर देन वर्ड बट उसका जो कार्य है वो ज़्यादा समझ में आता है कि वो करता है या नहीं है ना वैसे ही सी किप्स प्रामिसिंग दैट सी विल फिनिश द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक उसने कहा था उस लड़की ने कहा था कि वो ये प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक ख़त्म कर देगी बट इट हैज़ बिन थ्री वीक ऑलरेडी बट ये तीन हफ्ते गुजर चुके हैं ठीक है वेल एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड अतः ये कह सकते हैं कि उसका कार्य ही उसके बातों को देखो गलत साबित कर रहा है यानी उसके जो एक्शन है वो ज़्यादा मतलब डिनोट कर रहे हैं उसका कहे हुए वर्ड को जुटला रहे हैं है, है ना तो यहाँ तक था ये चैप्टर के एक्सरसाइजेस अच्छे लगे होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा डाउट होने पे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे कोई सजेशंस होते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा मैं सभी के कमेंट्स बिल्कुल पढ़ता हूँ सुबह बाइकिट्स